I love you all. दोस्तों बहुत जोर की भूख लगी है और हाथ में मेरे बस मैगी है। चले। ओ ओ मेरे मैगी, तू है बड़ा स्वैगी। सुप्रीम कोर्ट में हरीद के सब तू मार्केट में क्या टिकेगी सनम। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, क्या मैगी फिर से बैन होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था डीटीएच रिचार्ज के ऊपर, मिनिमम जो मंथली रेंटल है अब केबल का वो कितना होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करें और आप आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे फेसबुक पेज के थ्रू, मेरे फेसबुक पेज का नाम किशोर के यूट्यूब वीडियोज़ है, नीचे दिया हुआ है। तो आज हम वीडियो में इसी चीज़ में बात करने वाले हैं कि क्या मैगी फिर से बैन होने वाली है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि जो सब्सक्राइबर पहली बार चैनल में आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की। आपको तो पता ही होगा कि मैगी एक बार बैन हो चुकी है 2015 में इंडिया में, और उस टाइम पे यह बताया गया था कि MSG बाबा राम रहीम वाला नहीं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा ज़्यादा है, इसी कारण से वो बैन हुई थी पूरे इंडिया में। और कुछ महीनों बाद वो फिर से घूम के रीब्रांड होके आई थी। रीब्रांड इन द सेंस बस प्राइसेस चेंज हुए थे, ₹5 वाला पैकेट ₹5 का ही रहा था, मगर ₹10 का जो पैकेट था इसी साइज़ का था वो ₹12 का बना था। MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है वो पदार्थ अगर आपके खाने में मिलाया जाता है तो आपकी भूख मिट जाती है। पकड़ लीजिए आपको भूख लगी है और आपको इतने कैलोरीज या इतना न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, और आपने आपके खाने में पकड़ लीजिए आप जो खा रहे हो उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो आपका भूख मिट जाएगा मगर आपके वो कैलोरीज गेन नहीं होंगे। तो ऐसा आपको शायद हुआ भी होगा कि आपने मैगी लिया होगा और भूख तब के लिए मिट चुकी होगी मगर फिर से आपको भूख लग रहा होगा और आपने कुछ अलग फिर से खाया होगा, ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ। तो इसी कारण से जो ये स्वास्थ्य के लिए वैसे हानिकारक है और ये ग्रोथ जो प्रोसेस है उसमें विघ्न डालता है, बाधा डालता है। तो बच्चे, ज़्यादातर ही बच्चे मैगी सेवन करते हैं तो इसी कारण से ये घातक था। तो 2015 को एक बारी वो बैन हुआ, तो ऐसी ही कुछ चीज़ में इस बारी फिर से फंसा है मैगी। और ये हुआ कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूरु यानी मैसूर में एक फूड लैब में टेस्ट किया गया और बताया गया कि मैगी में लीड पाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है यानी मैगी के या नेस्ले के अगेंस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर मैगी में लीड है तो हम उसका सेवन क्यों करें। और इस पर डिफेंस अटॉर्नी यानी कि मैगी या नेस्ले के तरफ से जो थे उन्होंने कहा कि ये मैगी में लीड दिया नहीं जाता है, और ये जब एनवायरनमेंट यानी कि हवा पानी इनके संपर्क में आता है वहाँ लीड रहता है, तो उसमें उस कारण से लीड मिला होगा उस टेस्ट में, और ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो वो केस चल रही है आगे, और इस पे आपको कुछ ही दिनों में नेस्ले जो है वो कैंपेन पे उतर रही है, तो प्रिंट एड्स और आपको TV एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें वो लोग अब हेल्थ बेनिफिट्स और ट्रस्टवर्थी फैक्टर्स पे एड्स बनाएंगे। तो आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो लीड जो होता है, यहाँ लीड अगर आप उसका कंटिन्यूअस सेवन करो या लो उसे, तो क्या होता है मेमोरी लॉस हो सकता है, आपके ब्लड सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। ज़्यादातर ही ये अगर छोटे बच्चे ज़्यादातर लेते हैं तो छोटे बच्चों में अगर पहले से ही इस चीज़ की प्रॉब्लम रहे तो उनके उनका ग्रोथ जो प्रोसीड्यूर है उसमें विघ्न या बाधा पहुँच सकता है। तो इसी पे जो है कोर्ट केस चल रहा है अभी, तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट में बात छेड़ी गई थी। तो अभी श्योर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैगी का इमेज आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा राय, इस पे आप कमेंट करें। पहले ये बताएं कि आप मैगी खाते हो कि नहीं, दूसरा अगर खाते हो तो वीक में कितने बार ही खाते हो, तीसरा इस चीज़ पे आपकी राय क्या है। आपने अगर न्यूज़ सुना होगा तो आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, तो आपकी राय क्या है ये जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की। वैसे
सुप्रीम कोर्ट में है लीड केस, अब तू मार्केट में क्या टिकेगी सनम। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।